सोलन के सलोगड़ा के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित फार्मा कंपनी का डंगा अचानक ढह गया, जिसकी वजह से डंगे का मलबा दीवार तोड़ते हुए कंपनी के अंदर तक घुस गया। गनीमत यह रही कि यह डंगा सुबह 3 बजे गिरा, उस समय कंपनी में कोई नहीं था। अगर ये घटना दिन के समय घटती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि इस घटना में फार्मा कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई मशीनें मलबे के नीचे दब गई हैं। कंपनी का सारा काम ठप हो चुका है। कंपनी के मालिक का कहना है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 4 लेन का काम चल रहा था, लेकिन उनके द्वारा सड़क से पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी कंपनी के सामने बना डंगा गिर गया। हैरानी की बात है कि 2 वर्ष पहले भी यहां पर ही 3 मंजिला मकान पानी की वजह से गिर गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। कोगनेक्स फार्मा कंपनी के MD सत्यम कुमार ने बताया कि पिछले दिन डंगे से पानी निकलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से डंगे की नींव हिल गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने जिला प्रशासन व NHAI के अधिकारियों को दी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि मलबे के नीचे उनकी कीमतें मशीनें दबी हुई हैं और कंपनी के भीतर भी मलबा घुस गया है। ये जो घटना घटी है, इससे पहले हम लोगों ने प्रशासन लोगों को, मैंने ऑफिशियल लोगों को इन्फॉर्म किया है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ पे घटना तो पूरा डंगा टूट के अंदर आ गया, मशीन्स भी दब गया उसमें, और पूरे दीवार तोड़कर शीशे तोड़ के अंदर तक आ गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। नुकसान अभी लाखों में, अभी एसएस कराना पड़ेगा कितना है क्या कितना है। और कल दोपहर से भी पानी थोड़ा थोड़ा गल रहा, मैंने हिल रहा था डंगा, दोपहर को भी तला किया था, क्योंकि कल दोपहर से थोड़ा मालूम पड़ने लगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, बाजू वाला कुछ महीने पहले बाजू वाला को भी घर ऐसे ही गिर गया था। स्थानीय निवासी राजेश कुमार, जिनका मकान 2 वर्ष पहले ढह गया था, उन्होंने भी रोष व्यक्त करते हुए कहा कि NHAI की लापरवाही की वजह से उनका घर ढह चुका है। उनके भवन के गिरने का मुख्य कारण है कि सड़क में 2 पुलियां बनी हुई थी, जिसमें बारिश होने पर सड़क का पानी बह कर निकल जाता था, लेकिन अब ये पुलियां बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से सड़क का पानी घरों की ओर रुक कर रहा है और उनके रिहायशी मकान धराशाही हो रहे हैं। इस बारे में जिला प्रशासन को कई बार वे अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। मैं राजेश शर्मा, ग्राम कटोक सलोगड़ा से जी। 2 साल पहले यहाँ मेरा भी मकान गिर गया था जी। एक ये NHAI की जैसे कटिंग शुरू की थी पानी भरने के कारण, जिससे जो है मेरा काफ़ी 3 मंजिला मकान गिर गया था, काफ़ी नुकसान हुआ। एक गाय मर गई थी जी मेरी। अभी भी इनको जी बार बार यहाँ अप्लीकेशन लिखी गई थी, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। चला हुआ जी, ये जो पुलिया बंद की हुई है वो अभी चली नहीं, दोनों पुलियाँ, एक वहाँ भी है जी पीछे पर है, वो भी बंद की हुई है। और 6 महीने पहले भी सर ये PD साहब को हमने एक अप्लीकेशन फाइल की थी यहीं की, इसी स्पॉट की, कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है और इसको जो है ध्यान से देखा जाए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। 6 महीने पहले भी ड्रेन सिस्टम के लिए बोला गया था जी, एक अप्लीकेशन फाइल की थी PD साहब को। हाँ जी, हाँ काफ़ी खतरा है सर। ये सामने है जी आपके मकान गिर गया 3 मंजिला यहाँ, ठीक नहीं, गाय मर गई थी जी एक, इसमें वो DC साहब से तो हमारे को मिली थी जी फौरी राहत, ये